नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन और एक सरप्राइज क्वेश्चन का साइड पेपर लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है, रोज साइड पेपर अपलोड होते हैं। इससे पहले 270 साइड पेपर अपलोड हो चुके हैं, जिनकी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको चेक कर सकते हैं। चैनल पर लाइव क्लास होती है जनरल अवेयरनेस की रोज सुबह 6:30 बजे से, तो आप जनरल अवेयरनेस की लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल की हर अपडेशन पाने के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से लाइव क्लासेस और सेट पेपर के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप चैनल से हमेशा जुड़े रहें। ये क्वेश्चन हर एग्जाम्स के लिए हैं, तो क्वेश्चन लास्ट तक ज़रूर सॉल्व करिएगा। अपना स्कोर शेयर ज़रूर करिएगा कि आपने कितना स्कोर गेन किया है। आपके लिए कॉम्पिटेटिव मार्क्स का स्कोर, चैलेंजिंग स्कोर है 25। आप 30 में से 25 सही करिए, आपकी तैयारी अच्छी है। अगर 25 में से कम नंबर आते हैं तो आपको वीडियो दोबारा देखना है, या नोट्स बनाकर आप इन क्वेश्चंस को याद करके कुछ दिन बाद आप दोबारा लगाकर अपना स्कोर चेक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। 25 स्कोर आपका चैलेंजिंग है, आप 25 से ज़्यादा लाकर दिखाइए, तब आपकी जनरल अवेयरनेस की तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर है दलित वर्ग का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1932 के पूना समझौते के साथ दलित वर्ग का सीधा संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां स्क्रीन पर, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है केरल में स्थापित है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो आप नोट्स बनाते जाइएगा, जिससे बाद में आप पढ़ सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है ये रहा स्क्रीन पर, आपसे क्या पूछा गया अगले क्वेश्चन में देखिए। पुस्तक दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पुस्तक दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, ये पुस्तक वीपी मेनन के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रहा स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर चल रही है। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपके सही हो रहे होंगे। अपना स्कोर ज्यादा से ज्यादा जरूर गेन करिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी जब आप ज्यादा स्कोर लाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो ये जो बात हुई थी लाला लाजपत राय के द्वारा कही गई थी कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील से दोगी, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया इरहा स्क्रीन पर, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो पेरियार जल विद्युत परियोजना केरल में स्थित है। दोस्तों, अपने आंसर को शेयर जरूर करिएगा, अपने नाम के साथ में अपना स्कोर शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो लोनार झील जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया इरहा स्क्रीन पर, किसी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति जी को है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, इंडिका की रचना किसने की थी? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो इंडिका की रचना मेगस्थनीज के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर क्या बताइए। चलिए देखते हैं, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया इरहा स्क्रीन पर, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज था? राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। चलिए देखते हैं, तो भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान जो है लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया इरहा स्क्रीन पर, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर क्या है बताइए।
चलिए देखते हैं। तो हड़प्पा की खोज का श्रेय जो है राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। इरहा स्क्रीन पर भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किए जा सकते हैं, बतलाइए किसके द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अधिकांश भाग जो है अकेले संसद के द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। चैंपियंस आप सभी से निवेदन है, हम चाहते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचे, तो अपना सपोर्ट ज़रूर करिएगा। बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है, आप सभी से विनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैंपियंस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इरहा स्क्रीन पर एशियाटिक सोसाइटी कहाँ स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो एशियाटिक सोसाइटी जो है कलकत्ता में स्थित, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया इरहा स्क्रीन पर। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी था, राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म का अनुयायी था, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है कर्नाटक में है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है, किस नदी पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर करिए। मुझे पता है आप सभी को पता होगा, उस नदी का नाम बताइए जिस पर यह जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छठी अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा छठी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया इरहा स्क्रीन पर। संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, बतलाइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना 1953, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। संगीत नाटक एकेडमी 1953 है, इसका मुख्यालय जो है आपका कहां है मैंने बताया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे, राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो हड़प्पा वासी जो है कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया इरहा स्क्रीन पर। हंटर आयोग की नियुक्ति किसके लिए की गई थी, राइट आंसर क्या बताइए। चलिए देखते हैं, तो हंटर आयोग जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया इरहा स्क्रीन पर। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों का संशोधन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों के संशोधन करने की प्रक्रिया के लिए साधारण बहुमत से यह चीज हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगस्थनीज किसका राजदूत था, राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो मेगस्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय का नाम क्या है, बतलाइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं, तो नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय राष्ट्रीय संग्रहालय कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, चलिए देखते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा जोग गरसोप्पा जलप्रपात, आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था, राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य सेन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है, राइट आंसर क्या है बतलाइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था सरप्राइज क्वेश्चन के रूप में, तो इसका आंसर नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया इरहा स्क्रीन पर। संविधान में संशोधन की पहल किसके द्वारा की जा सकती है, राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं, तो संविधान में संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन में की जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। झीलों की राजधानी, झीलों का जिला, डिस्ट्रिक्ट, लेक डिस्ट्रिक्ट।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नैनीताल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहां है, बताइए। चलिए देखते हैं, तो प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन जो है भोपाल में, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीन की ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था, राइट आंसर क्या है बतलाइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शे हुआंग टी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। इसका आंसर अपना स्कोर के साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें अपना कमेंट। वीडियो की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रकार के पर डे साइड पेपर अपलोड होते हैं, आप रोज साइड पेपर सॉल्व करके अपने थोड़े थोड़े क्वेश्चंस के थ्रू आगे बहुत बड़ी तैयारी कर सकते हैं आप। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपने 25 प्लस स्कोर शेयर किया होगा। अपने नाम के साथ अपना स्कोर और सरप्राइज क्वेश्चंस के आंसर जरूर शेयर करिएगा। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।